बैटरी हमारी वापस से कनेक्ट हो गई है, तो अब हम लैपटॉप को बंद कर देते हैं यहाँ पर वापस से, हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ से हमारे लॉक वगैरह सब कुछ लग गया है, तो ठीक है अब लैपटॉप को हम ऑन करके देखते हैं। Hey, what's up guys? Welcome back to my channel guys. So, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है रैम, जो कि आज मैं अपने Asus CUF F15 की रैम को अपग्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पर 8GB की स्टिक और लगा रहा हूँ मैं, तो टोटल मेरे पास 16GB डुअल चैनल रैम हो जाएगी आज फाइनली। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखना शुरू से लेकर एंड तक, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप रैम अपग्रेड करना चाहते हैं तो कैसी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी आपके लैपटॉप के अंदर, कितने FPS बढ़ेंगे गेम्स के अंदर, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आज। तो फटाफट से इसको अनबॉक्स कर और लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करते हैं, बाहर निकालते हैं इसको, देखते हैं कुछ है अंदर बॉक्स के, नहीं कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी लाइक मॉडल कौन सा है एंड ऑल, आप देख सकते हैं पीछे भी लिखा हुआ है, पीछे बहुत बारीक लिखा है जिसकी ज़रूरत नहीं, इसे फेंक देते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं ये है हमारी क्रूजल की रैम, इसका मॉडल नंबर है CL22 और ये है 32 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम, जो कि हमारे 2933 मेगाहर्ट्ज़ वाले लैपटॉप में भी चल जाएगी। एक्चुअली लैपटॉप का कोई इशू नहीं, ये है प्रोसेसर का, प्रोसेसर इतनी ही सपोर्ट करता है जितनी उसे चाहिए, तो हमारा प्रोसेसर सपोर्ट करता है 2933 मेगाहर्ट्ज़, भले ये 4000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम क्यों ना वो उतनी ही लेगा जितनी उसे जरूरत है। ठीक है गाइज, आई होप आपका डाउट क्लियर होगा, ये डाउट सबसे बड़ा था लोगों को कि सपोर्ट करेगा नहीं अगर हम लेंगे। तो बिना देरी करे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट से, बहुत ईजी है इसको इंस्टॉल करना। तो गाइज रैम डालने के लिए आपको लैपटॉप खोलना पड़ेगा, लैपटॉप खोलने के लिए आपको टूल किट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर इसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर, तो आप चेक कर लेना। तो भाई लोग आप देख सकते हो मेरा लैपटॉप के स्क्रू यहाँ पर निकले हुए, मैंने इनको पहले से खोल रखा था क्योंकि मैं अपने लैपटॉप को साफ करता रहता हूँ यहाँ पर, तो मैंने इसके स्क्रू पहले से निकाल रखे हैं। और आपको कुछ ऐसा डेबिट कार्ड भी चाहिए पुराना ताकि आप इसको खोल सको साइड से, वैसे तो आप उंगली से भी कर सकते हो बट मैं इसको डेबिट कार्ड से ही करता हूँ ताकि स्क्रैच वगैरह ना पड़े और कुछ दिक्कत ना हो। तो मैं इसको आप खोल के दिखाता हूँ, यहाँ पर बहुत इजीली यहाँ से खुल जाता है और आपको स्क्रू भाई धीरे धीरे खोलना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाओगे, प्रेशर लगाओगे तो आपको वो दिक्कत आ जाएगी। तो आप देख सकते हो एक साइड से प्रेशर लगाया तो ये सब धीरे धीरे उठ जाएगा ऊपर, ये खुला धीरे धीरे आपको करना है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर ताकत आजमाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप यहाँ से भी कर लीजिए आपका काम और ईजीली हो जाएगा। ये खुल गया यहाँ से, धीरे धीरे आपको बस स्लाइड करते रहना है, ज़्यादा ताकत आपको बिल्कुल नहीं लगानी, मैं बार बार बता रहा हूँ, और आपको नहीं आता है तो आप बाहर जाके करवा सकते हैं काम। ये देख लो लैपटॉप का ढक्कन यहाँ पर खुल गया मेरे, बहुत इजीली बाहर आ गया निकल कर। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा लैपटॉप पहली बार यहाँ पर अंदर से, आप पहली बार देख रहे होगे इसको, तो देख लो यहाँ पर मैंने एक SSD भी लगा रखी है 250GB की क्रूजल की है वो भी, और रैम भी मैं आज क्रूजल की है डालूंगा यहाँ पर। देख लो इसको निकालते हैं फटाफट से, कोई रॉकेट साइंस की जरूरत बिल्कुल नहीं है रैम लगाने के अंदर, इसको उधर घुमाना पड़ेगा हमें, इसको उठाया यहाँ से। पर गाइस रैम लगाने से पहले मेरे को बैटरी बाहर निकालनी पड़ेगी, इसकी बैटरी को अनप्लग करना पड़ेगा यहाँ से, तो धीरे से आप दबा सकते हैं यहाँ पर, धीरे से आपको करना है बिल्कुल, ताकत नहीं आजमानी यहाँ पर बिल्कुल भी। तो हमारी बैटरी को हमने कर दिया डिस्कनेक्ट यहाँ पर, तो अब हमें लगानी है रैम। तो रैम लगाने के लिए आपको बस ये मैच करना है इसका, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक आपको छेद देखने को मिल रहा होगा, अच्छे से देख लो आप, आपको छेद देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, तो इसको लगा दो यहाँ पर ऐसे करके। तो गाइस ऐसे आपको रैम लगानी यहाँ पर, आपने अटका दी यहाँ पर, आप धीरे से इसको प्रेस कर दीजिए अंदर की साइड, ये आपकी रैम लग गई गाइस यहाँ पे। तो गाइस हमारी रैम यहाँ पर लग चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी रैम यहाँ पर लग चुकी है। अब हम लैपटॉप को बंद कर देते हैं यहाँ से, बट उससे पहले हमें बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा वापस से यहाँ पर, तो फटाफट से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसको हमने कर लिया कनेक्ट वापस, बैटरी हमारी वापस से कनेक्ट हो गई है, तो अब हम लैपटॉप को बंद कर देते हैं यहाँ पर वापस से, हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ से हमारे लॉक वगैरह सब कुछ लग गया है, तो ठीक है अब लैपटॉप को हम ऑन करके देखते हैं। गाइज अगर आप रैम इंस्टॉल करते हैं उसके बाद अपना लैपटॉप को ऑन करते हैं ना भाई, तो वो एक दो बार में ऑन होगा, मतलब वो अगर आप बैटरी को डिसकनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करते हैं तो सारी चीज़ें वापस से वो रीड करता है, इस वजह से लैपटॉप एक दो बार लेता है बूट होने के अंदर, मतलब दो तीन बार कीबोर्ड की लाइट झपझप करेगी और डिस्प्ले आएगा जाएगा ऐसा रहेगा, मतलब तो उसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो गाइस अब चेक कर लेते हैं अपनी रैम जो अपनों ने लगाई वो आई या नहीं आई, तो अपन चलते हैं टास्क मैनेजर के अंदर यहाँ से, और अब चलते हैं इसको बड़ा कर लूँ मैं एक मिनट, तो चलते हैं परफॉर्मेंस के अंदर, और ये देख लो मेमोरी, मेमोरी भाई मेरी हो गई है 16, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं स्क्रीन शॉट भी यहाँ पर लगा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा, और ये सारी उसकी लिखी हुई है, मेगाहर्ट्ज़ भी लिखा हुआ है यहाँ पर 2933। तो फटाफट से अब गेमिंग कैस अपन शुरू कर लेते हैं यहाँ पर। तो गाइस जैसे ही मैंने गेम को ऑन किया यहाँ पर GTA 5 को, तो भाई उसका एक अपडेट आ गया यहाँ पर, तो देखते हैं भाई ये अपडेट क्या FPS को बढ़ा पाएगा अपने या नहीं बढ़ा पाएगा, जो कि GTA 5 में प्रॉब्लम चल रही थी कुछ दिन से, काफ़ी कम FPS मिल रहे थे देखने को,
तो देखते हैं क्या इंक्रीज होते हैं या नहीं होते सब गैग से। तो गाइस इतना गेम तो यहाँ पर चालू हो गया, पर शुरू करने से पहले अपन यहाँ पर एक बार सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड के अंदर मैं आपको ग्राफिक्स सेटिंग यहाँ पर दिखा दूँ एक बार, तो आप देख सकते हैं जो आती है अपनी हाई वेरी हाई वाला मिक्सचर है वही मैंने सेट कर रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो भाई आप देख सकते हो मेरे पास 16 GB डुअल चैनल रैम, उसके बाद भी मुझे FPS कितने देखने को मिल रहे हैं बस वहाँ पर, अभी तो 60 से भी कम FPS मुझे देखने को मिल रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है अभी GTA 5 के अंदर, पर फिर भी मुझे 60 तक FPS ही मिल रहा है। नो डाउट ग्राफिक बहुत अच्छे आ रहे हैं, स्मूथ भी चल रहा है गेम, पर FPS कम क्यों देखने को मिल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट नो ये ओरिजिनल GTA 5 का ड्रॉबैक है या फिर कुछ और, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने GTA 5 का क्रैक वर्जन खेला था उस टाइम मेरे पास सिर्फ 8 GB रैम थी और मुझे भाई उस टाइम 90-95 FPS मिल रहे थे आराम से। इसी जगह पर मैंने चलाई थी गाड़ी, आपको याद नहीं हो तो मैं उस वीडियो का कार्ड यहाँ पर दे दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर लेना भाई। तो आप देख ही सकते हो भाई FPS ज़रा से यहाँ पर बढ़ी नहीं है, बट ये है कि कहीं कहीं जगह पर 60 से नीचे नहीं जा रहे हैं FPS। अब एक बार गाड़ी ठोक कर देख लेते हैं कितना डिफरेंस आता है यहाँ पर। तो अपन चलते हैं, ये नहीं FPS कम नहीं हुए गाड़ी ठोकने पर, ये बात है। वैसे भाई GTA 5 ओपन वर्ल्ड गेम है तो यहाँ पर FPS चेंज होते हैं जगह जगह के हिसाब से, डिमांडिंग एरिया में ज़्यादा FPS कम हो जाते हैं। और देखो अभी यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है तो अभी 70 FPS मिल रहे थे भाई। रैम अपग्रेड करने के बाद मेरा FPS 75 तक जा रहे हैं GTA 5 के अंदर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लाइक 80-85 जाने चाहिए थे। एक काम करते हैं ट्रेवर के पास चलते हैं, ड्राइवर बताएगा हमें सही साइड FPS। तो गाइस अब ड्राइवर के पास चलते हैं, ड्राइवर अपनों को सही साइड बताता है या नहीं, ड्राइवर कहाँ पर है। तो गाइस ये है हमारे ड्राइवर भैया, तो आप देख सकते हो ड्राइवर लगाने के बाद मेरे FPS हो गए लगभग 80 तक, तो पता नहीं क्या हो रहा है अभी। मतलब GTA 5 के अंदर भाई आप कंसिस्टेंट FPS आपको मिल ही नहीं सकते भाई, ये ओपन वर्ल्ड गेम है यहाँ पर कोई गारंटी दे ही नहीं सकता आपको कितने FPS मिल जाएंगे आपको। देख सकते हो रैम मेरी 10.5 GB के लगभग यूज हो रही है। गाड़ी चला के देखते हैं ड्राइवर से, मेरे हिसाब से जब माइकल रहता है ना भाई वो बहुत ज़्यादा ही डिमांडिंग जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही FPS लगते हैं, और जैसे ही मैं गाड़ी चलाता हूँ तो FPS थोड़े से कम हो जाते हैं यहाँ पर देख लो आप। बट फिर भी भाई डुअल चैनल रैम लगाने का फायदा तो हुआ है, आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छे FPS अभी देखने को मिल रहे हैं। तो भाई रैम अपग्रेड करने के बाद मुझे GTA 5 के अंदर मैक्सिमम FPS देखने को मिलेंगे 75 एंड मिनिमम मैंने देखे आई थिंक 58 शायद, तो इतनी देखे मैंने भाई। फिर भी आप रैम अपग्रेड कर ही लो यार भाई, इतनी मस्त परफॉर्मेंस हो गई ना लैपटॉप की भाई, नेक्स्ट लेवल ऐसा लग रहा है, इतना स्मूथ हो गया है, पहले से इतना स्मूथ था और भी ज़्यादा स्मूथ हो गया यार। तो गाइस दूसरा गेम चला के देखते हैं उसमें क्या इंप्रूवमेंट दिखती है अपनों को, फटाफट से दूसरा गेम चालू कर लेते हैं अपन यहाँ पर। तो गाइस नेक्स्ट गेम जो है वो अपन टेस्ट करेंगे WWE 2K22, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा गेम है नहीं अभी, बस यही कुछ गेम है तो वो टेस्ट करके देखते हैं अपन यहाँ पर। अब चलो फाइट्स लगा लेते हैं कोई सी यहाँ पर, और मैं कौन सा लेता हूँ यहाँ पर, रैंक के ऑर्गन में ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसको बॉबी लेस्ली ला देते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मैच, और आप देख सकते हो परफॉर्मेंस वहाँ पर। वैसे इस गेम इतना बड़ा हैवी है नहीं, बट मेरे पास गेम है नहीं टेस्ट करने के लिए अभी। बट भाई इस गेम का सीन ऐसा था, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि पहले जब मेरे पास 8 GB की रैम थी ना, तो वहाँ पर भाई मेरे FPS थोड़े से कम होते रहते थे, मतलब यहाँ पर अभी कॉन्स्टेंट मेरे को FPS मिल रहे हैं 59 के, उससे कम नहीं होते हैं वो। तो आवाज़ थोड़ी सी कम कर लेते हैं यहाँ पर ताकि दिक्कत ना हो। तो ग्राफिक सेटिंग भाई अपनी हाई है इस गेम के अंदर, ग्राफिक्स सेटिंग में कम करते ही नहीं क्योंकि ये गेम इतना डिमांडिंग है नहीं। आप देख सकते हो रैम मेरी 8.5 GB के समथिंग यूज़ हो रही है, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ये भाई ये गेम भी बहुत अच्छा है यार, बहुत शानदार लगता है मुझे ये गेम। आप कमेंट करके बताना आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है ये वाला गेम। तो भाई इस गेम के अंदर भी मुझे 59 FPS कंसिस्टेंट देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल कम नहीं हो रहे हैं FPS, देख सकते हो आप। और भाई मैंने इसको कपड़े की तरह निचोड़ दिया पूरा धो धो कर यहाँ पर, आप देख सकते हो बॉबी लेस्ली को मैंने पूरा धो दिया यहाँ पर। और गाइज आप फिक्र मत करो भाई, मैं इसका गेमिंग रिव्यू लाने वाला हूँ बहुत जल्दी 16 GB रैम के ऊपर, तो अभी तो मैं बस टेस्टिंग के लिए यहाँ पर गेम खेल रहा हूँ, उसके अंदर आपको एक से एक गेम में खेल के दिखाने वाला हूँ, कम से कम मैं 10 गेम टेस्ट करूँगा उसके अंदर, तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो आप स्टे ट्यून रहना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए जब भी मैं उस वीडियो को लाऊँ, मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। तो गाइस आपको WWE 2K22 का आइडिया तो लग गया है, अब अपन चलाते हैं वेलोरेंट, वेलोरेंट भी है मेरे पास तो उसको चलाते हैं फटाफट से, इसको बंद कर लेते हैं यहाँ पर। तो गाइस अपना वेलोरेंट यहाँ पर चालू हो गया है, गेम शुरू करने से पहले एक बार सेटिंग दिखा दूँ आपको मैं, सेटिंग कौन सी है यहाँ पर वीडियो के अंदर चल के अपन सेटिंग देख लेते हैं यहाँ पर। ग्राफिक क्वालिटी आप देख सकते हो मीडियम के ऊपर है, तो मैं इसको हाई कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है सब हाई हाई हमने कहा हाई कर दिया यहाँ पर, तो इसको क्लोज कर लेते हैं और अब लगाते हैं अपन एक मैच, डेथ मैच लगाते हैं यहाँ पर। तो गाइस हमारा मैच यहाँ पर चालू हो गया और आप देख सकते हो मुझे 144-143 FPS वैलोरेंट के अंदर मिल रहे हैं हाई सेटिंग के ऊपर, जो कि हाईएस्ट है। भाई मर जा तू अब साले,
भाई एक को निपटा दिया मैंने, भाई उसने मुझे निपटा दिया पीछे से। तो भाई मुझे 143-144 FPS मिल रहे हैं वैलोरेंट के अंदर हाईएस्ट सेटिंग के ऊपर, तो भाई काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, वेरी स्मूथ गेम प्ले। हाईएस्ट सेटिंग के ऊपर इतने FPS मिलना बहुत अच्छी बात है भाई किसी भी गेम में, क्योंकि अगर आप सेटिंग कम कर लोगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छे मिलेंगे FPS हर गेम के अंदर। तो भाई मैं हाईएस्ट सेटिंग के ऊपर इसलिए टेस्ट करता हूँ गेम, ताकि आपको आइडिया लग जाएगी हाईएस्ट सेटिंग के ऊपर कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है। ऑब्वियसली अगर आप कम करोगे तो आपको और अच्छी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट से ऊपर तो जाएगी नहीं भाई। तो भाई रैम तो मेरी 9 GB तक यूज़ हो रही है वैलोरेंट के अंदर, और भाई मैं नोटिस कर रहा हूँ एक बात कि मैंने जब से रैम डाली ना भाई, मेरा सीपीयू का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा हो गया यार, काफ़ी स्टेबल है। वैसे पहले भी अच्छा ही था, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं आपके लैपटॉप का टेम्परेचर अगर आप उसे क्लीन करते रहोगे ना महीने में एक आध बार कर लो। तो गाइस अब एक आखिरी गेम बचा है फीफा 22, उसको भी चला कर देख लेते हैं उसमें कितनी इंप्रूवमेंट मिलती है FPS के अंदर। इसको बंद करते हैं यहाँ पर, भाई कौन मार रहा है ये, चलो इसको मार दें हमने, अब इसको बंद कर लेते हैं गेम को यहाँ से। भाई आज क्या हो रहा है यार, जो भी गेम मैं चालू कर रहा हूँ सबके अंदर अपडेट ही आ रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है आज। तो गाइस इतना गेम चालू हो गया फीफा 22, अब एक मैच लगाते हैं यहाँ पर, और भाई आपको मैं सेटिंग बता देता हूँ यहाँ पर, हाई सेटिंग मैंने रख रखी है। तो गाइस चालू हो गया गेम अपना यहाँ पर, आप देख सकते हो भाई मेरी बार्सिलोना है यहाँ पर, तो भाई देख सकते हो भाई कितने FPS आ रहे हैं मेरे को फीफा 22 के अंदर। अभी 100 से कम FPS मिल रहे थे, मतलब 100-102 FPS मिल रहे थे, और अभी मेरे को 140 तक FPS मिल रहा है मैक्सिमम इसके अंदर। तो भाई 144 FPS फीफा 22 के अंदर अब तक मिल रहा है भाई। इसके अंदर मैं बोल सकता हूँ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आई है इस गेम के अंदर, डुअल चैनल रैम करने के बाद इसके अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है, ये बात तो कहना पड़ेगी। अब तो गोल करना ही पड़ेगा यार कैसे भी करके। अरे बच गया, अरे अबे ये कैसा गोल हुआ यार, अबे ये कैसा गोल हुआ यार यहाँ पे। गाइस देखना मैं रिप्ले लगाता हूँ यहाँ पर, आप देखना गोल कैसा हुआ है, वो बहुत अमेजिंग गोल हुआ है, अजीब सा ही कुछ, ये देखो बहुत अजीब सा गोल हुआ है। तो गाइस फीफा 22 के अंदर मैं बोल सकता हूँ भाई बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट मिली मेरे को, कम से कम 30 से 40 FPS मेरे इंक्रीज हो गए हैं डुअल चैनल रैम करने के बाद, मेरे 30 से 40 FPS इंक्रीज हुए हैं फीफा 22 के अंदर, जो कि आप मेरी लास्ट वीडियो के अंदर ही देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई मेरे को फीफा के अंदर आप देख सकते हो उसके अंदर जाके मुझे 110 FPS समथिंग मिल रहे थे, 110 मैक्सिमम मिल रहे होंगे, और अभी आप देख सकते हो भाई मेरे को 130-140 तक मिल रहा है आराम से। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा अगर आप रैम अपग्रेड करते हैं अपने Asus Cup F15 के ऊपर तो आप कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलती। भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मेरे लैपटॉप की हो गई है, और आप वेट करना मैं बहुत जल्दी इसका गेमिंग रिव्यू भी लाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ गेम टेस्ट करूंगा, तो आप उस वीडियो के लिए वेट करना भाई, स्टे ट्यून कर लो चैनल से, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं तो रिकमेंड करता हूँ आपको कि अगर आपके पास बजट है तो भाई रैम खरीद लो, बहुत मस्त परफॉर्मेंस हो जाएगी, आपको लैपटॉप चलाने में मज़ा आ जाएगा। और लैपटॉप की रैम आपको कहाँ से खरीदनी है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी है नीचे जाकर, तो आप वहाँ से बाय कर लो। और रैम को इंस्टॉल कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, बहुत इजी है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज़।